एग्जाम्पल 9, सोल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। यहाँ पे हमारी क्या है, रो फिक्स्ड है, 2x2 की है और यहाँ पे कॉलम हमारे फिक्स्ड नहीं है, तो हम कौन सी लगाएंगे, ग्राफिकल मेथड बाय 2x n गेम। तो हम ये स्ट्रेटेजी को यूज करेंगे। सो फर्स्ट स्टेप क्या है, सैडल पॉइंट निकालने हैं, तो सैडल पॉइंट कैसे निकालेंगे, मैक्सिमिन मिनीमैक्स प्रिंसिपल के साथ। सो यहाँ पे सबसे छोटा हमारा आ रहा है -1, यहाँ पे सबसे छोटा -2 आ रहा है। फिर उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू निकाल ली, 3, 5, 6, 2, 7। तो यहां से हमें दिख रहा है अभी कोई भी सैडल पॉइंट नहीं आ रहा है। फिर हमने मैक्सिमम मिनिमम का क्या निकाल दिया, मैक्सिमम, ऐसे मैक्सिमम का निकाल दिया मिनिमम, तो हमारे पास वैल्यू ऑफ द गेम इक्वल नहीं आई है। सो हम लिख देंगे कि हमारी गेम का कोई भी सैडल पॉइंट नहीं आया है। फिर उसके बाद ग्राफिकल मेथड लगाया, लेट कर लिया स्ट्रेटेजी ए आर x1 x2, वेयर x1 + x2 = 1। तो x2 किसके इक्वल है, 1 - x1, वेयर x1 x2 लाइज बिटवीन 0 to 1। उसके बाद हमने क्या किया, जो मैट्रिक्स गिवन था वो लिख दिया, जो फर्स्ट रो है उसको x1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, जो सेकंड रो है उसको x2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास स्ट्रेटेजीज क्या आ गई, b1 b2 b3 b4 b5 के लिए, b1 के लिए 3x1 - x2, दैट मीन्स यहाँ पे हम पॉइंट पुट कर देंगे, x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 - x1, तो यहाँ पे पुट कर दिया 4x1 - 1। उसके बाद हमने क्या करना होता है, फर्स्ट हम पुट करते हैं x1 = 0, फिर हम पुट करते हैं x1 = 1। सभी क्वेश्चंस में हमने यही करना है, पहले 0 पुट करना है फिर 1 पुट करना है। 0 पुट किया तो -1 आ गया, 1 पुट किया तो 4 - 1 = 3 आ गया। ऐसे हम b2 b3 b4 b5 सभी की वैल्यूज निकाल लेंगे। सो b2 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 5, 0। ऐसे b3 की वैल्यू फाइंड करेंगे, यहाँ पे 8x1 - 2 आ रहा है, तो यहाँ पे 0 पुट किया तो -2, अगर 1 पुट करेंगे तो 8 - 2 = 6, तो ये पॉइंट आ जाएगा। ऐसी b4 का पॉइंट क्या आ गया, 2 - 1, b5 का आ गया 1, 7। सभी में हमने क्या करना है, पहले x1 को 0 पुट करना है, फिर उसके बाद x1 को 1 पुट कर देना है। देन उसके बाद हम ग्राफ बनाते हैं, सेंटर में हमने लिख देना है 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये हमने किसके हिसाब से लेना है, जैसे हमारे पॉइंट्स आ रहे हैं उस हिसाब से इसका डायग्राम बना देना है। फिर उसके बाद -1, -2, -3, -1, -2, -3, एक तरह से ये हमारी एक नंबर लाइन बन गई, क्योंकि नंबर लाइन भी तो हम ऐसे बनाते हैं, सेंटर में 0 लिख के फिर 1, 2, 3, -1, -2, -3, सो ये भी हमारी एक तरह की नंबर लाइन बन गई। सो b1 हमारा है -1, 3, तो -1 और 3, तो यहाँ पे आपने लिखते जाना है कि ये कौन सी लाइन है, ये B1 की लाइन है। ऐसे B2 हमारा आ रहा है 5, 0, तो B2 है हमारा 5 और 0, इसके साथ मैच कर दिया। B3 था हमारा -2, 6, तो वहां पे लिखते हैं -2, ये रहा हमारा -2 और लास्ट में जाके आ रहा है 6, तो ये बन गया B3। ऐसी B4 हमारा क्या है, 2 - 1। B5 हमारा क्या होगा, 1 और 7, तो सभी को हमने मैच कर लिया। उसके बाद हमारा मेथड क्या था, जो हमने एग्जांपल 8 में किया था, लोअर इनवेल्प पे अपर पॉइंट देखना है। तो लोअर इनवेल्प हमारा ये पोर्शन है, इसका अपर पॉइंट क्या आ रहा है, अगर ये देखेंगे तो ये अपर पॉइंट नहीं आ रहा है, और ऐसी इसको मैच करेंगे तो ये अपर पॉइंट आ रहा है हमारा। सो यहाँ पे हमारी कौन सी लाइंस मैच कर रही है, एक तो B4 और दूसरी कौन सी है, B1, तो इन दोनों पे हमारी ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी आ रही है, B1 और B4 पे। फॉर द गेम, फॉर द ग्राफ, वी हैव द हाईएस्ट पॉइंट एच ऑफ द लोएस्ट इनवेल्प्ड इन द इंटरसेक्शन ऑफ B1 B4, सो प्लेयर बी यूज स्ट्रेटेजी B1 B4। तो हमारे पास 2x2 का मैट्रिक्स आ गया, फिर से हमने मिक्स स्ट्रेटेजी यूज कर लेनी है। फिर
फिर एस ए आ गया हमारा पी वन पी टू, एस बी इज क्यू वन क्यू फोर। देन उसके बाद हमने लिख दिया पी वन की वैल्यू फाइंड कर ली, ऐसे ही पी टू की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, फिर क्यू वन क्यू सॉरी यहाँ पे क्यू फोर आएगा क्योंकि हम क्यू टू तो हमारा जीरो आ रहा है, तो क्यू वन क्यू फोर इसका मतलब क्या आ रहा है, क्यू वन प्लस क्यू फोर इज इक्वल टू वन आ रहा है, तो क्यू फोर की वैल्यू आ गई वन माइनस क्यू वन। ऐसे यहां पे निकाला है हमने पी वन प्लस पी टू इज इक्वल टू वन, दिस इंप्लाइज पी टू की वैल्यू आ गई हमारे पास वन माइनस पी वन। सो इनको सॉल्व किया, हमारी आंसर क्या आ गया, फर्स्ट हमारा ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी आ रही है प्लेयर ए के लिए 3/7 4/7, फिर प्लेयर बी के लिए आ रही है हमारी क्यू वन पे आ रही है 3/7, ऐसी क्यू फोर पे आ रही है 4/7, बाकी पे 0 0 0। वैल्यू ऑफ द गेम कैसे निकालेंगे, इन दोनों का ऊपर हम करेंगे डिटर्मिनेंट, नीचे इन दोनों का प्लस, फिर सेंटर में माइनस, इन दोनों का प्लस। 3 2 6 वन टू थ्री माइनस आ रहे तो माइनस वन, 3 + 2 इज 5 1 2 3 - 2 2 5 + 2 इज 7, तो 5/7 हमारा आंसर। थैंक यू।